चलिए रुक करेंगे, सबसे पहले इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें पंचकुला से फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विजिलेंस की रेड, ये इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला सेक्टर 14 स्थित कार्यालय में ये रेड हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें फरार चेयरमैन गणेश के बारे में पूछताछ लगातार जारी है, ये बड़ी खबर। कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विजिलेंस की रेड, आरोपी सोहनलाल कंसल को लेकर पहुंची है टीम। तो फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में ये विजिलेंस की रेड हुई है, पंचकुला सेक्टर 14 स्थित कार्यालय में रेड की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से आ रही है। फरार चेयरमैन गणेश के बारे में पूछताछ जारी है, जानकारी आपको दे दे पंचकुला से आ रही है। कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। तो आरोपी सोहनलाल कंसल को लेकर जो टीम है वो पहुंची है। उमंग चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। उमंग, फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विजिलेंस ने ये रेड किए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? तो बता दें कि सेक्टर 14 में ये ऑपरेशन जो है विजिलेंस द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विजिलेंस के आला अधिकारी और पूरी टीम मौजूद है, जिसमें जो चेयरमैन है जो फरार चल रहे हैं दिनेश अरलगा, उनके बारे में पूछताछ कर्मचारियों से की जा रही है। इसके साथ ही जो आरोपी विजिलेंस की गिरफ्त में है सोहनलाल कंसल, उसको लेकर टीम पहुंची है। यहाँ पर आपको बता दें कि काफी समय से शिकायतें भी आ रही थी कि जो लाइसेंस के लिए जो फार्मा करने के बाद लाइसेंस करने की अप्लाई करके बच्चे लाइसेंस लेने की तैयारी कर रहे थे, वो भी कुछ इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि उनकी शिकायत थी कहीं ना कहीं कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। काफी समय से लाइसेंस जो है वो नहीं बन रहे थे कई सालों से, उसके चलते भी लोग परेशान थे। जी उमंग, अभी फिलहाल जानकारी क्या मिल पाई है, क्या वहाँ पर क्या कुछ कुछ बरामद भी हुआ है या कागजात जो है वो वहाँ पर खंगाले जा रहे हैं अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कागजात पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं, तमाम कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और अभी क्या क्या वहाँ से साक्ष्य जुटाए जाते हैं, किन किन चीजों को कब्जे में लिया जाता है विजिलेंस की टीम के द्वारा, कितनी देर बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल अंदर जो विजिलेंस द्वारा जो है रेड जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमंग चौहान, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पंचकुला के सेक्टर 14 का ये मामला, फरार चेयरमैन दिनेश के बारे में पूछताछ जो है वो लगातार अभी जारी है, जानकारी जो मिल रही है पंचकुला से। कर्मचारियों से भी जो पूछताछ है वो यहाँ पर हो रही है, बड़ी जानकारी पंचकुला से। आरोपी सोहनलाल कंसल को टीम जो है वो लेकर पहुंची है, काफी समय से शिकायतें यहाँ पर आ रही थी, फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विजिलेंस ने ये रेड की है और जानकारी मिल रही है पंचकुला सेक्टर 14 स्थित कार्यालय में ये जो रेड है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल वहां पर कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, फरार चेयरमैन दिनेश के बारे में पूछताछ जारी है।